हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि उम्रा बुकिंग में जो नई कंडीशंस आ गई हैं तमन्ना एप्लीकेशन से उम्रा बुक करने के लिए। सबसे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप जानते हैं, पहले उम्रा बुक करने के लिए हमको तमन्ना एप्लीकेशन से बुक करना पड़ता था। अब इसमें हुकूमत की जानिब से कुछ नए चेंजेस आए हैं, जिसमें उम्रा बुक करने के लिए हमारे पास जो असेंबली पॉइंट्स थे वो कम हो गए हैं। जी हाँ, एज़ पर न्यू रूल्स के हिसाब से सिर्फ उम्रा वालों के लिए सिर्फ दो ही असेंबली पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। एक होगा खुदाई सेंटर, जो कि हरम से 8 किलोमीटर दूरी पर है, और दूसरा होगा अलशीशा सेंटर, जो हरम से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और जो जमरात के बहुत करीब में है। जैसे कि हम देख सकते हैं, आप हम लोग यहाँ पर उम्रा की बुकिंग स्लॉट चूज़ कर चुके हैं और हम इशू परमिट की तरफ जा रहे हैं। इशू परमिट दबाया हमने तो जैसे हमने देखा कि हमारा स्लॉट बुकिंग नहीं हुआ, बाकायदा हमको बुकिंग की तरफ ले गया, ट्रांसपोर्ट बुकिंग की तरफ। हम यहाँ पर बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं खुदाई सेंटर से जैसे, और हमने यहाँ बुकिंग करने की कोशिश की है, लेकिन हमने देखा कि हमारा जो बुकिंग का स्लॉट है वो बड़ा बिजी दिखा रहा है और हमारा बुकिंग बस का हो नहीं पाया, जिसकी वजह से हमारा उम्रा का परमिट ज़ाया हो गया। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि हम सबसे पहले हमारा बस का बुकिंग करें, और ये जो पैसे 20 रियाल हैं इसकी जो फ़ीस है वो हमारे अकाउंट में सेफ रहेगी। और जैसे हमारे फिर हम जैसे देखते रह सकते हैं, जब भी अवेलेबल होगा उम्रा का स्लॉट पे तब हम उसको बुक कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से पहले हम लोग बस की सर्विस बुक करेंगे, फिर जब भी जैसे भी अवेलेबल होता है उम्रा का स्लॉट, हम उम्रा का स्लॉट बुक कर लेंगे। इस तरह से हमारी उम्रा की स्लॉट ज़ाया नहीं होगी और हमारी उम्रा की स्लॉट मुकम्मल तरीके से बुक हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।